कई सारी कोटन भरी सांसों से अच्छा है कि आप अनजान लोगों के बीच जाकर एक खुली सी सांस लें, जीवन की सभी मुश्किलों को भुलाकर कभी अपनों के साथ भी समय गुजार कर देखिए कितनी अच्छी ऊर्जा का संचार आपके भीतर होगा। जीवन कोई एक दिन का खेल नहीं है साहब, यहाँ तो धीरे धीरे और टिक कर खेलना पड़ता है। प्रकृति से प्यार कीजिए और इस ब्रह्मांड को धन्यवाद कीजिए, इसने आपको ये सुनहरा जीवन प्रदान किया है। किसी को धन्यवाद कहने से आपकी इज्जत कम नहीं होती है, बल्कि धन्यवाद देने और माफ़ी मांगने से आपकी इज्जत में चार चांद लग जाते हैं। इस जीवन के सफर में इतने अधिक तेज भी मत चलिए कि आप उन बेहतरीन पलों को ही छोड़कर चले जाए जिन्हें आप आज मिस करती हो। कहीं कभी अनजान लोगों से भी अपने करीबियों जितनी ही नज़दीकियाँ बनाकर रखना आपके लिए खुशी का कारण होता है। अच्छा और प्रेरक विचार हमेशा जीवन को नई ऊर्जा देने में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करते हैं। अच्छा अथवा बुरा कुछ नहीं होता है इस दुनिया में, लेकिन ये तो सब हमारे नज़रिए का ही खेल होता है। अच्छे विचार एक स्थिर मस्तिष्क को जन्म देते हैं और एक स्थिर मस्तिष्क एक परिपूर्ण व्यक्ति का निर्माण करता है। जब आप सकारात्मकता की ओर बिना पीछे देखे चलते हैं, तब वास्तव में आपके साथ भी शुभ ही होता है। धैर्य के साथ किया गया काम और जब मिल जाए सकारात्मकता के साथ बात, तो फिर वो कार्य पूर्ण होना निश्चित है। हमारे विचार ही बाहरी दुनिया के दृश्य को जन्म देते हैं, इसलिए हमें दुनिया को नहीं बल्कि अपने विचारों को बदलना चाहिए। जब आप अपने मन को शुद्ध और एकाग्र रखते हैं, तब आपके बेहतरीन विचार भी आपके जीवन में आपके लिए वही कार्य करते हैं। मानवता का सबसे बड़ा वरदान तो यही है कि उसने हमें आपस में रहना और सभी की सहायता करना सिखाया है।